अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका जाहिद खान। हाजी अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला आखिरकार केस वाइंड अप तक पहुंच गया, जिस तरह के शाहिद चौधरी साहब के आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखा होगा इनके चैनल पर, इन्होंने इस केस पे बहुत गहरी नज़र रखी है। आज का इनकी डेडलाइन थी कि आज के दिन तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी और केस मुकम्मल हो जाएगा, तो सारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। ये केस कहाँ से चला, कहाँ तक पहुँचा और इसका वाइंड अप क्या, हम पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने आज की डेडलाइन दी थी कि आज फाइनल दिन है जिसमें केस मुकम्मल हो जाएगा। सुना है 11 लोगों की टिंडे हो गई हैं। बिल्कुल कंफर्म हो गया, मैंने अपने चैनल्स में बताया है और मेरा ख्याल आपने खबर मुझसे ली होगी, मेरे से पहले ये खबर किसी के पास नहीं थी। 11 अफराद की टिंडे हो गई हैं और कुछ और अफराद भी होने लगे जो गिरफ्तार मुल्जमान हैं। टिंडे क्यों की गई, इसकी क्या वजह हो सकती है, आप बता सकते हैं? लड़कियों को छेड़ेंगे तो आपके साथ क्या होगा, जब आप काम ही ऐसा करेंगे जो बड़ा गंदा हो और गलीज हो और लोग उस पर थू थू कर रहे हो तो फिर टिंडे जरूरी है ना। ये तो स्टार्ट इब्तदाई अमल है ताकि लोगों के लिए आपके काम में इबरत बन जाए, टिंडे जरूरी थी और बहुत अच्छा काम हुआ है। एसएन शाह जो कि दोस्त था, दोस्त के नाम पे धब्बा था, हम तो यही कहेंगे कि दोस्ती का वो जो सारा भरम था उसने तोड़ दिया। एसएन शाह ने कितने पैसे लिए इस काम के लिए? 50 लाख उसको मिला था, बाकी 4.5 करोड़ रुपए उसने लेना था और वो पैसे अगर लेने के लिए जाता उसको मार दिया जाना था। इस बंदे ने सारे हैंडलर के जो है ना, सारे सहूलतकारी के जो है ना काम उसको किए हैं, ये लोकेशन लेता रहा आगे वो जो है पीछे जो मुलजमान पीछे इस सारे काम को मॉनिटर कर रहे थे उनके साथ वो रबते में था और जो बातें उसको मिल रही थी वो सारी बातें आगे शेयर कर रहा था और यही वजह उसकी मौत का सबब बनी। एहसन शाह को गरीब आदमी था जिसने पैसे की खातिर अपने दोस्त की पीठ पे छोड़ा गोपा। एहसन शाह जो है ना उसका बैकग्राउंड मैंने तो सुना था अच्छा था, 50 लाख वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जब मैंने सुना कि 5 करोड़ है तो मुझे यकीन होगा कि ये डील हो गई होगी, तो ये ऐसे हो जाता है। ये पहला वाक्य है जिसके आप इतना उछल रहे हैं, पहले भी बड़ी दफ़ा बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने गनमैनों के हाथों मारे गए, अपने सहूलत अपने जो साथ रहने वाले दोस्त भाइयों जैसे जो दोस्त हैं ना उनके हाथों मारे गए हैं, उन्होंने थड़े दे के मरवा दिया हुआ है। दर्जनों मिसालें हैं, मेरे YouTube चैनल को लोग खोल कर देख ले, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। एहसन शाह का जो पिछला जो दौर है उसमें कोई क्रिमिनल लाइफ है इसकी? यार मैं इसको जानते नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, बच्चों के साथ बच्चों के सवाल मुझसे करें, बच्चों से जाकर पूछें। मैं एक उम्र सीधा बंदा हूँ, मेरे एज वाले जो बंदे उनसे पूछे बच्चों की बातों में, कभी बच्चे तो होते ही छोटे बच्चे हैं ना तो वो उनसे गलतियाँ होती रहती हैं। अब उनकी मैं गलतियों को देखो तो सारा मुआशरा ही बच्चों से भरा हुआ, मैं इनके ऊपर भी लॉग करने शुरू कर दूँ, मैं इनके ऊपर तवज्जो नहीं देता हूँ। ये तो अभी आगे एसएन शाह हुआ तो मुझे रिसर्च करनी पड़ी है, वगरना मैं इसको अच्छा नहीं समझता। सब बच्चे शरारती होते हैं, सब उम्र ही ऐसी होती है, तो बच्चों के ऊपर मैं क्या बहस करूँ या क्या आपको कमेंट्स करूँ। अब क्या कहते हैं कि एहसन शाह इस केस से सजा होगी या बरी हो जाएगा? बरी हो ना हो बेल उसको मिल जाएगी, तो बाकी ट्रायल के अंदर कभी भी ऐसे केसेस में जिनमें कोई बंदा इस तरह से इन्वॉल्व उसको कभी कोर्ट सजा नहीं देती, सिर्फ भुट्टो का केस था जो सजा हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना पुलिस जितना मर्जी अपना अच्छा रिस्पॉन्ड दे ले, जिन पुलिस अफसरान के वो पास है ना वो लेमन की तरह इनको निचोड़कर इनकी छिलका भी जो है ना वो रगड़ जाएंगे, वो पुलिस ही छोड़ेगी, वो बड़ी दबंग पुलिस है। आप एहसन शाह को कह रहे हैं ये बच्चे हैं ये दूध पीते हैं, आपको जिस तरह अमीर बलाज जैसे इंसान को इन्होंने कत्ल करवाया, आपको नहीं लगता कि ये बाहर आके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? आप इतने धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। मुझे कैसे नुकसान पहुंचाए, पहुंचा लें सारे मुझे, सारा मुल्क मुझे, मैं तो सारी दुनिया के खिलाफ प्रोग्राम करता हूं, सारी दुनिया में नुकसान पहुंचा ले और मुझे किसी ने क्या नुकसान पहुंचाना है। मैं अगर जो मैंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल साथ लगाया तो पानी फेंकता है, अगर किसी की हिम्मत है तो जुरत करे ना, जुरत करनी भी चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, दो राय नहीं इस पर, जिसकी हिम्मत है जिसका हौसला है ट्राई करे। पहले भी मेरे ऊपर ट्राई हुई थी एग्रीगेट ना, मैं बच गया था, लेकिन वो जो है ना नहीं बचे, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं देखे ना ये तकदीर इसमें होती है ना, अगर मेरे ऊपर वो आ जाते हैं और मुझे नुकसान पहुंचा देता है तो अल्लाह ताला उनको मुबारक कर, उनका मिशन पूरा हो गया, लेकिन अगर वो रह गए तो वो कैसे जाएंगे, मुझे इसका भी जवाब तो आप दे दें। अब ये दो तरफा बात करें ना कि वो अगर आए हुए, ये बलाज टीपू था जिसके हाथ में पिस्टल नहीं होता था, वो लेजी था, वो अभी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा था और मैं हंडा बरता छंडा फूका बनता हूँ, मेरे ऊपर अगर वो आता है ना मोस्ट वेलकम, सारे पाकिस्तान को चैलेंज है, सारा पाकिस्तान आ जाए। और यार अगर वो बच गया, अगर देखे ना इस हमले के अंदर अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है तो मैं बच गया तो अगले के साथ क्या होगा, वो नहीं बचेंगे, नहीं बचेगा वो।